एन पी निशांत राष्ट्रीय मुख्य सचेतक समता सैनिक दल। हाँ, हमारे कमांडर इन चीफ ने बताया ही है, ये आपको पता है मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था के लोग हैं वो संविधान को स्वीकृत और अंगीकृत करने के बाद भी उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे हैं। समता सैनिक दल उनको बोध कराने के लिए आया हुआ है कि ये जो समता से ये संविधान है ये विषमतावादी और मनुवादी ताकतों के विरुद्ध बनाया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का एक अमूल अस्त्र है और मनुवादी सरकार जो है इसको इनके इन प्रकारेण एक तरह से नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। समता सैनिक दल संविधान की रक्षा सुरक्षा में आज अपना योगदान देने के लिए और वर्तमान सरकार को ये बोध कराने के लिए कि आप इतनी आसानी से संविधान को बदल नहीं सकते हैं, हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं परंतु ये समतावादी समाज पूरे देश का इसके विरोध में है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है इसको किसी कीमत में हम जो है इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे, उसके लिए आज ये मार्च निकल रहा है। तो सर ये संसद मार्ग पे जाएगा तो संसद मार्ग का घेराव किस तरह होगा? संसद मार्ग का घेराव तो समता सैनिक दल करता ही आया है। आज जो घेराव है वो एक ऐतिहासिक घेराव है, चूँकि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, इस देश के अंदर स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, तो हमने आज का दिन इसीलिए चुना है कि अभी 9 अगस्त को पार्लियामेंट सीट पर खुलेआम संविधान को जलाने का काम किया। 7 लोगों के नामजद रिपोर्ट की गई परंतु एक आदमी को सिर्फ जो है गोलमोल करके गिरफ्तार किया गया और बाकी 6 के 6 जो है इसका मतलब ये है वो बाहर छोड़े गए, तो सरकार की सह पे ही छोड़े गए। ऐसी बात नहीं है कि सरकार को पता नहीं रहती है, सरकार को सारी पता रहती है, उसके बावजूद भी यदि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इससे उनके मंसूबे जान पड़ते हैं कि मनुवाद को जो है फिर से लाना चाहते हैं और समतावादी समाज पूरा प्रबुद्ध समाज या इस देश का 100 करोड़ ये जो है हमारा जो पूरा दलित पिछड़ा समाज है, महिला वर्ग समाज है, जिसके लिए संविधान रक्षा सुरक्षा की गारंटी देता है वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा और हम हर प्रकार से चाहे कोई सा भी कदम उठाना पड़े हम जो है किसी भी कीमत पर जो है संविधान को बदलने वालों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। आपको पता है हजारों साल से यहाँ पर मेहनत कश मजदूर समाज थे, मूल निवासी समाज थे, उनको चंद लोगों ने छल और छदम करके उनको जो है उनके जो सारे हक और हकूक से अधिकारों से वंचित कर दिया। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, पेरियार रामास्वामी नायकर और अपने गुरु नारायण गुरु ज्योतिबा फूले, भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु रविदास जी, इन्होंने जो एक तरह श्रमण संस्कृति का उदय जो किया था उन्हीं हजारों साल की गुलामी से इस समाज को आज़ादी दिलाने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं चीज़ों को ये यहाँ पर अपनी विद्वता के बल पर लागू करने का काम किया, परंतु यहाँ की मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो सरकारें हैं, जो विषमतावादी सरकारें हैं, वो इसके विरोध में ही कार्य कर रही हैं। वो सिर्फ जो है मंदिर मस्जिद में लगी हुई हैं, यहाँ के गरीब समाज की किसी को चिंता नहीं है, जबकि सबको समता की गारंटी, सबको रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की गारंटी ये संविधान देता है, लेकिन इनको जो है बिल्कुल भी इस प्रकार का जो है कोई काम नहीं है। ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर लगे रहते हैं, इसका समता सैनिक दल विरोध करता है और संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए यहाँ की सरकार से, यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करता है।